नमस्कार किसान साथियों, आज हम फिर से खेत है, ये मेरा खेत है, इस पे हमने रोटावेटर चलाकर कंप्लीट किया है। इसके अंदर जो उर्वरक है वो सेम हमने दिए हैं, 3:6:12 का जो रेशो मेंटेन करता हूँ। इस बार इसमें जिंक हमने पहले 3 साल पहले दिया था, तो 5 किलो जिंक प्रति हेक्टेयर के मान से हमने दे दिया है। आज हम जिस वेराइटी को बुहाई करने वाले हैं वो मेरी पसंदीदा वेराइटी है, HI 8759, जो कि तेजस के नाम से आती है। भारत में तेजस से एक ट्रेन भी चलती है। तो आज हम जिस वेराइटी को बोने वाले हैं, काफ़ी बेहतरीन वेराइटी इसे माना जाता है, और इस वेराइटी की जो सीड है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसकी जो लंबाई मानी जाती है वो 80 से 85 सेंटीमीटर मानी जाती है। 1000 बीजों की जो वज़न होता है वो 50 से 55 ग्राम का वज़न इसका होता है, और इसकी पैदावार जो कृषि अनुसंधान केंद्र बताते हैं वो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर बताते हैं। और इसकी बुहाई की दर जो हम रखेंगे वो 21 किलो प्रति बीघा के हिसाब से रखेंगे, और सीड ड्रिल से हम इसकी बुहाई करने वाले हैं। और किसान भाई, माइकोराइजा का उपयोग भी जब नमी हो उस समय कर सकते हैं, जिससे जड़ों का अच्छा विकास होता है। तो मैं किसान भाइयों को ये सजेस्ट करूँगा कि माइकोराइजा भी आप खेतों के अंदर समय समय पर डालते रहे, ताकि जो जड़ी होती है फसल की वो अच्छे से विकास करती है। पिछले साल मैंने इस खेत में भी डाला था, और अभी मैं आपको सीड बताऊंगा। और इसकी जो अवधि है वो 115 से 120 दिन की होती है, और उपज का मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा इसे जो बुहाई का सही समय है 10 नवंबर से 25 नवंबर तक इसकी बुहाई की जाती है। चलिए मैं आपको सबसे पहले सीड दिखा देता हूँ। काफ़ी चमकीले और बड़े दाने इसके हैं। पिछले साल में जिन किसानों ने इसे बो रखा था उनके खेतों में गया था, काफ़ी अच्छी फसल खड़ी थी, और जो सीड है काफ़ी अच्छा उनका भी निकला था। और उज्जैन साइड के जो किसान हैं उनके उधर तो काफ़ी अच्छी इसकी पैदावार मानी जाती है। कई सारे किसान तो 20 बोरी प्रति बीघा यानी कि 20 क्विंटल प्रति बीघा भी बताते हैं। ये इसके बैग है, क्लास ऑफ सीड ब्रीडर सीड और HI 8759, और इसकी टेस्ट डेट है 5/10/19 को, और प्योरिटी 100% है इसकी। और इसकी जो औसत किसान भाई जो बताते हैं वो एक एवरेज हम बात करें तो 16-17 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से हमारे इधर बता रहे हैं। लेकिन इस बार हम आपको पूरा ही अपडेट देंगे, कितनी इसकी पैदावार होती है, कैसा इसका जो पौधा होता है, कौन से रोग इसके अंदर आते हैं, कितना उत्पादन होता है, क्या क्या समय समय पर आपको अपडेट चाहिए वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, अब हम सीधा बुहाई का जो कार्य है वो शुरू करते हैं। बीज की जो मात्रा है वो 21 किलो प्रति बीघे के मान से हम रखेंगे। अधिकतम इसकी 125 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप बुहाई कर सकते हैं, 100 से लगाकर प्रति हेक्टेयर। इसका दाना बड़ा है तो जो बीज दर है वो थोड़ी सी बढ़ाना चाहिए किसान भाइयों को। तो चलिए हम शुरू करते हैं बुहाई का काम। दोस्तों, आज जो आप मेरे खेत में वैरायटी देख रहे हैं गेहूं की, ये है पूसा तेजस HI 8759, जिसकी बुहाई हमने 6/11 को की थी, यानी 6 नवंबर के दिन हमने इसकी बुहाई की थी। और आज तकरीबन 68 दिन इस फसल को हो चुके हैं, आप पूरे ही खेत में देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर। और यहाँ जब हमने इसकी 6/11 को बिजाई की थी उस समय अंकुरण होने में थोड़ा सा समय इसमें लगा था, बाकी जो वैरायटी मैंने बताई उससे काफ़ी थोड़ी सी लेट ये हुई थी, उसके बाद इसमें अंकुरण हुआ था। और जब स्टार्टिंग में ये फसल बाहर निकली, जैसे जैसे पौधे निकले तो थोड़ा सा ग्रीन, लाइट ग्रीन जो कलर रहता है वो था, थोड़ा सा पीलापन टाइप का लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो बिल्कुल सही हो गई। इस वैरायटी के बारे में और भी जब आप कमेंट करेंगे उस आधार पर मैं आपको बताता रहूँगा। अभी मैं आपको कुछ पौधे इसके दिखाना चाहूँगा, तो चलिए इसके पौधे के फुटाव वगैरह भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लगभग 27 से 28 इसमें जो ये आप देख सकते हैं निकल रहे हैं, ये कल्ले जिसे हम बोलते हैं, और भी ज़्यादा होंगे क्योंकि ये तो बाहर का पौधा है, लेकिन मैंने अंदर के जो पौधे हैं उनमें देखी थी तो 25-30 कल्ले एक एक इस बीज से निकले हैं। और इसके पत्ते आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े
पत्ते हैं, काफ़ी चौड़े पत्ते हैं और कलर भी काफ़ी अच्छा है और अभी तक इसमें किसी भी प्रकार का रोग बीमारी नहीं आई है। और ये इसकी जो हाइट है वो कम जाएगी, साथ ही इसमें आप नीचे से देखेंगे तो इसके जो डंटल है जिन्हें हम कले बोलते हैं ये बिल्कुल बड़ी मोटाई लेकर चलते हैं ताकि ये जो फसल जब बड़ी होगी तब इसमें गिरने की जो शिकायत है वो नहीं रहेगी। इसके बारे में और भी अपडेट मैं आपको दूंगा धीरे धीरे, ये फसल जैसे जैसे इसके पूरी अवस्था में आएगी, कितना इसका उत्पादन होता है, कैसा इसका बीज होता है, क्या क्या बीमारियाँ आती है, वो डिटेल भी मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। दोस्तों वहाँ पर आपने देखा पूसा अनमोल, बीच में मंगल लगी हुई है और यहाँ पर ऊपर आते आते जो मिट्टी है वो काफ़ी हल्की है, तो यहाँ तेजस, और तेजस का आप कलर देख सकते हैं, उन दोनों से भी चेंज कलर है, काफ़ी गहरा कलर इसमें आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मैं मिट्टी भी दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा इधर आइएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो हमारी मिट्टी है काफ़ी हल्की मिट्टी है, ऐसे ये तो मेड़ पर मैं बैठा हूँ लेकिन ये काफ़ी ऐसे पत्थर, काफ़ी ज़्यादा पत्थर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। और कल्लों की फुटाव वगैरह की बात करें तो इसमें इतनी हल्की मिट्टी में भी लगभग 10 से 12 कल्ले इसके अंदर फुटाव किए हुए हैं और काफ़ी बेहतरीन जड़े, किसी भी प्रकार की बीमारी रोग इसमें अभी तक हमें देखने को नहीं मिली। और इसका जो भी अपडेट है वो लगातार मैं देता रहूँगा, कितनी पैदावार हुई, हल्की ज़मीन में कितनी हुई, अच्छी काली मिट्टी में कितनी हुई, डिटेल मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। तेजस गेहूँ जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था वो मैं आपको बताने वाला हूँ, पकने के बाद किस तरीके का ये दिखता है और कैसी इसकी बालियाँ होती है। और तकरीबन ये जो फसल है वो 120 से 125 दिन की है, लेकिन इस बार जो मौसम है काफ़ी अच्छा रहा तो इसने पकने में 8 से 10 दिन जो है अधिक समय लिया है। इसके उत्पादन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको इसकी बालियां वगैरह दिखाना चाहूँगा, तो कैमरे को बैक कर लेता हूँ मैं। अब देखेंगे तो कुछ इस तरीके की इसकी जो बालियाँ है, ये खेत है पूसा तेजस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके जो दाने वगैरह भी है वो मैं आपको थोड़ा सा अंदर जाके दिखाना चाहूँगा। और इसकी जो हाइट है 80-85 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर तक रहती है और इसकी जो बालियाँ है थोड़ी से भूरेपन पर रहती है। HI की सभी जो वैरायटी है उनकी जो है तने काफ़ी मजबूत रहते हैं और जो बालियाँ है वो भूरे कलर पर आपको देखने को मिलती है। इसकी हाइट भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की जो है इसकी बाली आपको देखने को मिलेगी, सब तरफ से भरे हुए दाने रहते हैं और दानों का जो आकार है काफ़ी बड़ा रहता है। चलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए इसको बाहर ले जाकर हम इसके जो दाने हैं वो भी मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ किस तरीके के जो दाने हैं इसके बनते हैं। तो कुछ इस तरीके के बड़े आकार के दाने हैं और एक बाली के अंदर से तकरीबन इतने सारे दाने कुछ नीचे गिर गए हैं और इतने जो दाने हैं वो इसके अंदर से निकले हैं और बड़े आकार के दाने, चमकीले दाने हैं इसके। नमस्कार दोस्तों, आज हम पूसा तेजस जो किसानों के बीच काफ़ी फेमस वैरायटी है उसकी थ्रेशिंग करने जा रहे हैं। इसका जो उत्पादन है वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कितना आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीछे खेत है, इसमें पूसा तेजस जो गेहूँ की वैरायटी है वो हमने लगाई थी 87-59। तो आज हम इसका जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो भी इसका रिजल्ट आता है मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए जल्दी से हम काम शुरू कर लेते हैं। तो ये पूसा तेजस की ये एक ट्रॉली और हमने अभी भरी है, इसको भर कर हम पहली जो ट्रॉली है वो हम रवाना कर रहे हैं। आज हमने ये जो ट्रॉली है ये भरी है, इससे पहले पूसा तेजस की एक 18 बोरी की ट्रॉली भर ली थी और ये 55 बोरी की ट्रॉली है जिसमें लगभग 45 बोरी जो गेहूँ है वो इसके अंदर अभी डाले हैं और बाकी एग्जिट जो है वो इसका तोल करके मैं आपको बता दूंगा। अभी ये ट्रॉली भरी है और एक और हमने जो है वो अभी लगाई है, शाम का समय हो गया फिर अंधेरा हो जाता तो अभी थोड़ा निकल रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं तकरीबन ये दो बोरी के लगभग है और नीचे पड़ा हुआ है तो लगभग 3-1 बोरी के लगभग इसके अंदर जो है वो गेहूँ आ जाएगा। का जो है वो हम कल निकालेंगे, अभी खेत में बाकी पड़ा हुआ है
वो हम कल निकालेंगे। पूसा तेजस 57-59 गेहूँ की हमने आज सुबह ये एक ट्रॉली और भर दी है। 18 क्विंटल के लगभग, 18 बोरी इसमें आता है, 18 क्विंटल के लगभग। कल हमने एक 18 की एक भरी थी, एक 45 की एक भरी थी और 3 बोरी अलग एक ट्रॉली में हमने डाली थी। और आज ये जो है 18 की हमने एक भरती इसको रवाना कर रहे हैं। अभी और गेहूँ पड़े हैं, बाकी जो भी है वो मैं ऐसे शूट कर करके सारा बाद में जितने भी क्लिप है उन्हें काउंट कर दूँगा। अब हम जो है वो पीछे आप देख पा रहे होंगे वो लाल वाला जो मेसी ट्रैक्टर है, जो ट्रॉली है बड़ी फाटकों वाली, उसमें हम गेहूँ भरेंगे। अभी जो हमने फाइनल पूसा तेजस इस खेत से, जो कि लगभग 6 बीघे का खेत, उससे फाइनली अभी हमने लास्ट में सारा निकाल लिया है। और ये जो आज के लास्ट वाले आप देख रहे हैं ये तकरीबन 25-26 बोरी के लगभग इसके अंदर है, 25 से 26। और ये 27 बोरी के लगभग अपनी खाली में यहाँ पर मिल सकूँगा। तो स्टार्टिंग में हमने जो निकाला था 18 बोरी प्लस 45 बोरी प्लस उसके बाद 3-1 बोरी अलग थी ट्रॉली में, शाम का समय था तो कल। और आज जो है एक 18 बोरी मैंने निकाला है, उसके बाद ये जो है 26-27 बोरी आप इसको मान सकते हैं। तो एक एवरेज 108 बोरी के लगभग ये सारा गेहूँ है जो वो हमारा हो चुका है तेजस। और 6 बीघे के लगभग ये ज़मीन है, 6 बीघे और कुछ आरी ऊपर है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 18 का जो एवरेज है वो तेजस गेहूँ ने दिया है, क्योंकि बाकी जो भी अपडेट है वो मैं और आगे समय में बता दूँगा कि कितना इसका एग्जिट वज़न जो है वो करके मैं लास्ट में जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर डाल दूँगा। अभी इनका क्या वेट नहीं किया है, वेट करने के बाद एग्जिट आंकड़ा जो है वो हमारे पास आ जाएगा। फिलहाल का ये अनुमानित आंकड़ा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। धन्यवाद दोस्तों। आपको इस बीज के संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, तो वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय किसान।